सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आ गया खेत में धान काटने के लिए, बहुत दिन बाद और पहली बार है। चलो देखते हैं काट पाते हैं कि नहीं। तो चलो काटते हैं, अभी काटूंगा तो है ही है, हथियार मेरे हाथ में। तो चलो काटते हैं, अभी काट लिया। ऐसे काटा गया थे ना हम रख लियो यार, 150 रुपया दियो रखबो। ऐसे काट के इधर रखा है और काटी तो इतने चार ही काट है यार। एक पे एक पर देखो, मजदूरी करा रहे दोस्त 150 रुपये में आया हूँ इनके घर पे काम करने के लिए। तो चलो इनका काट के फटाफट रेडी करते हैं। हाँ काट तो नहीं था, है ना वंशु? इसी से काटा जाता है, देख सकते हो दूर दूर तक धान ही धान लगा है, इसी से चावल मिलता है। बहुत ज़्यादा पानी था और अभी सूखा है, देख सकते हो इधर बहुत इतना पानी था। उधर भी कटाई हो रही है और इधर भी। मैं आया था गन्ना लेने के लिए और यहाँ पे मजदूरी करने लगा, 150 रुपये में मैंने धान काट दिया। इतना देखो, इतना धान मैंने काट दिया, ख़त्म कर दिया। और वो देखो जा रहे हैं गन्ना लेके, मेरे को छोड़ के। चलो हम भी चलते हैं, धान तो काट दिया 150 रुपये में। तो चलो भाई से मिलते हैं, भाई कितना काटे, भाई आप कितना काटे हो धान? ये सब तुम ही काटे हो? नहीं नहीं, हाँ मेरे पापा मम्मी पूरी फैमिली मिलके काटी है दोस्त। बहुत मेहनत लगता है तब जाके आपको खाना मिलता है, भोजन मिलता है। आप शहरों में रहते हो और किसान की मजबूरी आप नहीं समझ सकते हो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तब जाके चावल मिलता है आपको। और आप तो शहरों में रह के आराम से खाने के लिए पा जाते हो। यहाँ पर इतना पानी भरा था, इतना पानी भरा था और फिर भी सब लोग काट रहे थे। सोचो कितना मेहनत करना पड़ता। और बहुत ज़्यादा तो आपको बाढ़ वाला वीडियो दिखाया था, उसमें बहुत ज़्यादा तो बहुत सारे धान तो डूब गए थे, पूरा उसके बराबर बराबर पानी था। देखो अभी सब पूरा धान कट गया। तो चलो अभी चलते हैं घर पे, मुझे गन्ना मिल गया और लेके जा रहा हूँ। आज चूना है मुझे, बहुत दिन से सोच रहा था कि कब लूँगा और आज गन्ना तोड़ ही लिया।